IDTV presents. बजट सत्र के पहले दिन संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भविष्य के भारत की रूपरेखा को स्पष्ट किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण को लोकसभा में पेश कर दिया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा है कि निर्भया के 3 दोषियों को 1 फरवरी यानी कल फांसी देने के लिए उनकी तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। बैंक कर्मचारियों की 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नकदी निकासी और जमा समेत विभिन्न सेवाएं प्रभावित हुई। बैंक कर्मचारियों के संगठन वेतन वृद्धि की मांग को लेकर 31 जनवरी से 2 दिन की हड़ताल पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुकाबला आतंकवादियों का सफाया एवं पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाहीन बाग समर्थकों के बीच है। दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून सहित अन्य मुद्दों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति को नाजुक बताते हुए दिल्ली पुलिस ने निर्वाचन आयोग से दिल्ली विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 30 अतिरिक्त कंपनियां मांगी हैं। तापसी पन्नू स्टारर अनुभव सिन्हा की अपकमिंग फिल्म थप्पड़ का ट्रेलर रिलीज हो गया। महाराष्ट्र की एक कोर्ट ने सराहनीय फैसला सुनाते हुए 2 लोगों को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों ने सड़क दुर्घटना में घायल शख्स को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया था। पंजाब में अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट पकड़ा गया है। अब तक की सबसे बड़ी नशे की खेप बरामद हुई। 1,000 करोड़ से भी ज्यादा की ड्रग्स मिली है। मामले में एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए अफगान नागरिक समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। देश भर में वीडियो मेकिंग ऐप टिकटॉक काफी लोकप्रिय हो चुका है और इसके प्रशंसकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। टिकटॉक पर केवल युवा ही नहीं बल्कि बच्चे और बुजुर्ग भी मनोरंजक वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं। वहीं अब दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने टिकटॉक को टक्कर देने के लिए अपना शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप टैंगी लॉन्च किया। ये है DID में खबरें। अब तक इंतजार कीजिए कल तक।